बालक। वेरी गुड वेरी गुड। अभी कोई बोल रहा था, किसे कुछ कहना है 63 को या कोई? मिस वाज एक्चुअली लेफ्ट रूम। मिस ने लेफ्ट हो गया था। मिस पर जॉइंट हो गया। नेटवर्क बहुत हो चाहिए। ओके ओके बेटा। तो 11वां जो पार्ट है सच्चा बालक, वो हम देख रहे थे बराबर। उसमें हमने फिर से एक बार आपको रिपीट करा देती हूँ कि एक बड़ा सा काफिला बगदाद की ओर जा रहा था। बीच में ही डाकू लूटमार करने लगते हैं और एक छोटा सा बालक जो है वह लूटमार देख रहा था। जब इस बालक को एक डाकू उसके पास 40 अशरफिया है यह तो देखकर वह डाकू के सरदार के पास ले जाता है और यह असरफिया जब सदरी फाड़ कर वह दिखाता है तो डाकू का सरदार आश्चर्यचकित में रह जाता है। और फिर जब यह छोटा बालक यह कहता है कि हमें हमेशा जीवन में सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है और यह मेरी माँ ने बताया था, तब डाकू का सरदार है वह कहता है कि हमें तो खुदा ने नेक रास्ते पर चलना सिखा है, फिर भी हम लूटमार कर रहे हैं, तो अब से हम लूटमार न करने की प्रतिज्ञा करते हैं और सबका सामान वापस कर देता है। तो यह छोटे बालक का नाम अब्दुल कादिर था और बगदाद में आज भी उसकी समाधि मौजूद है। यह पाठ का सारांश था। फिर हमने प्रश्न एक, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यह प्रश्न लिखा था। सभी की नोटबुक्स में है ना यह प्रश्न? मिस मेरा नहीं है बेटा, मिस मैंने नहीं लिखा। आपका नंबर 3083 है? नहीं 70 मिस। मेरा नंबर 83 है मिस। मेरा 70 नंबर। आपने क्यों नहीं लिखा? मिस दिन से नहीं आ रहा था। हाँ आप इससे पहले जॉइंट नहीं हुए थे इसीलिए है ना? हाँ मिस। तो मैं ये सब स्क्रीनशॉट पढ़ लूँ? अब स्क्रीनशॉट पढ़ना देता मैं यहाँ पर रख देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिख लेना और उसके अनुसार पेज छोड़कर आगे का लिख लेना। हाँ मिस। तो हमने यह जो है सारे विकल्प हमने लिखे थे। मिस 2 मिनट। ओके ओके बेटा। चलो ये सब मैंने लिखवा दिया है बेटा। ओके चलो उसके बाद का प्रश्न दो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिसमें हमने खाली जगह की थी बराबर। मिस हो गया। हो गया ओके। उसके बाद हमने प्रश्न 3 किया था, सही जोड़े मिलाइए, जिसमें मैंने आपको कहा था कि यहाँ जो नंबर देखकर आपको जो दिया गया है वह मुहावरा था। क्या था? मुहावरा। और उसके सामने जो जोड़ी है वह उसके अर्थ है। और आपको यदि परीक्षा में मुहावरा और उसका अर्थ पूछा जाए तो आपको इसी प्रकार से लिखने हैं, ठीक है? हाँ मिस। लिख लिया बेटा? हाँ मिस। ओके। उसके बाद प्रश्न 4 था, जिसमें हमने वाक्य किसने किससे कहे हैं वह लिखवाए हैं। बेर यह सारे वाक्य कौन बोल रहा है और किससे कह रहा है यह वाक्य हमने लिखे थे। चलो 60 नंबर हो गया आपका। ओके तो यह सब प्रश्न आप अपनी फेयर बुक में लिख लेना। पाठ 11वां सच्चा बालक ऊपर ऐसा हेडिंग करके शीर्षक देकर आप नीचे यह सारे प्रश्न लिख लेना, ठीक है? के बाद हमारा प्रश्न था प्रश्न 5, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। 90 नंबर। पहला प्रश्न कौन सा था? नोटबुक्स निकालिए।
पहला प्रश्न कौन सा था? मिस बहुत बहुत निकलना चाह रहा हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब भी कोई विषय हो उसकी फैट बुक या उसकी जो बुक है वो आप लेकर बैठिए, बराबर। चलो 93 नंबर नोटबुक्स में से पहला प्रश्न जो है वो आप पढ़िए। नाइंटी थ्री नंबर 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 हमें 88। पहला प्रश्न कौन सा था, पढ़िए तो जरा। प्रश्न कौन सा प्रश्न मैंने लिखवाया था इसमें? काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था। वेरी गुड। काफिला कहाँ जा रहा था? काफिला बगदाद जा रहा था। 52 नंबर हमेश। दूसरा प्रश्न कौन सा था हमारा? लड़के के पास कितनी असर पिया थी? वेरी गुड। लड़के के पास 40 असर पिया थी। वेरी गुड। 52 नंबर के बाद 70 नंबर ने तो लिखा ही नहीं, 77 नंबर। मिस मैं लिख लूँ फटाफट? हाँ मिस। हाँ हाँ लिख लो। 77 नंबर इसके बाद का प्रश्न कौन सा है बेटा? लड़के के पास असर पिया थी। लड़के के पास 40 असर पिया थी। तीसरा प्रश्न कौन सा था? हेलो मिस, तीसरा प्रश्न खड़े रहो, मैंने लिखा ओके बेटा। काफिले पर कौन टूट पड़ा? काफिले पर डाकू। वेरी गुड। और नंबर चौथा प्रश्न कौन सा था बेटा? 83 नहीं, अब इसके बाद 63 बोलेगा पहले। चौथा प्रश्न कौन सा था? बालक चुपचाप देखता रहा। बालक चुपचाप क्या देख? गुड। बालक चुपचाप लूटमार देखता रहा। वेरी गुड। बालक चुपचाप लूटमार देखता रहा। अब 83 नंबर पांचवा प्रश्न मैंने कौन सा लिखवाया था? पांचवा प्रश्न कौन सा लिखवाया था मैं? हेलो मिस, मैं तीसरा प्रश्न हूँ। हेलो मिस, मैं 93 नंबर हूँ, मैं नेट चला गया था। अब आ गए हो बेटा? ओके हाँ मिस, अब आ गए। ओके 68 नंबर। हेलो मिस। हेलो। हाँ 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 बोलो मिस। मैं यहाँ कौन टूट पड़ा वहाँ बस पूरा ही हो रहा है मिस। हाँ बेटा 68 नंबर।
68 नंबर, इसके बाद का प्रश्न बोलेगा मैंने कौन सा लिखवाया है। हेलो मिस, मैं बोलूं 93 नंबर। हाँ चलो बोल दीजिए बेटा। हाँ मिस बोलता हूँ। प्रश्न अच्छे में मिस आपने प्रश्न पांचवा प्रश्न मिस, डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया। तो मिस वो मिस पांचवा, डाकुओं ने क्या करना छोड़ दिया, और उसका जवाब था डाकुओं ने लूटमार करना छोड़ दिया। वेरी गुड। वेरी गुड, डाकुओं ने लूटमार करना छोड़ दिया। अब नंबर को हाँ हाँ बोलिए बेटा। बाद मैंने कौन सा प्रश्न लिखवाया था। मिस दो मिनट रुकिए, लिखने का है। नहीं यह तो मैंने लिखवा दिया है बेटा। मैंने छठवां प्रश्न कौन सा है बेटा, बाकी है मिस आपने छठा नहीं लिखा। मिस आपने नहीं लिखा क्यों कह, तो फिर आपने क्यों कहा कि अभी मैं बोलता हूँ, मुझे पता है मुझे मैंने नहीं लिखवाया, फिर आपने क्यों किया। पांच ही प्रश्न मैंने इसके पहले तास में लिखवाए थे। अब छह नंबर करके लिखिए, छह नंबर करके लिखिए। छह नंबर लोगों को लिखना है एक साथ। अपनी फेयर बुक्स में हमने पांच प्रश्न लिखे थे बराबर, ऊपर जो दिए गए हैं वह, और छठवां प्रश्न है वह लिखिए। सच बोलने वाला, सच बोलने वाला बालक, सच बोलने वाला बालक कौन था, कौन था, बताए। मैं जवाब दूँ? हाँ दीजिए बेटा। सच बोलने वाला बालक अब्दुल कादिर था। वेरी गुड, चलो जवाब लिखिए। सच बोलने वाला का है बेटा, बंद कर दीजिए, करके लिखिए बेटा। बोलने वाले लक नाम, लक नाम कुल लिख रहे हो ना बेटा।
मिस अब्दुल लिख लिया सभी ने। लिया ओके चलो, इसके बाद का प्रश्न है, लड़के ने अशर्फिया कहाँ रखी थी? लड़के ने अशर्फिया कहाँ रखी थी? अपने पॉकेट में रखी थी ना? नहीं मिस, उसने उसकी माने से है ना वो पॉट में। क्या आपकी आवाज कट हो रही है बेटा? उसके बोलू। हाँ हाँ बोलो। लड़के ने अशरफ या उसकी माँ ने सिल दी हुई सदरी में रखी थी। सिल दी हुई सदरी में रखी थी। वेरी गुड। मगर आपकी थोड़ी वाक्य रचना है ना थोड़ी अलग है। आप वेरी गुड। चलो, सभी ने बहुत अच्छा और सच्चा जवाब दिया। मैंने तो सोचा था पॉकेट में रखी है तो सब हाँ कहेंगे, मगर आप सभी लोग होशियार हो गए हो, होमवर्क नियमित से कर रहे हो शायद इसीलिए, है ना? जवाब लिखिए, लड़के ने, यहाँ पर सा है मगर आपको स लिखना है, बराबर। लड़के ने अशर्फिया सदरी में रखी थी। रखी थी ओके, लिख लिया बेटा? देखो सभी को लिखना हो, पीछे से फिर आप लोग कह दो मिस मैंने नहीं लिखा, मिस ये भिजवा दो, मिस ये भिजवा दो। तो अब आप लिखेंगे तो आपके अक्षर भी अच्छे होंगे, होमवर्क जो है वह भी इसमें से आप लिख सकेंगे, बराबर। अच्छी तरह से मिस आपको वेरी गुड भी कहेंगे। प्रश्न 9, लड़के की माँ ने उसे उसे क्या सीख दी थी? लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी?
चलो कौन बताएगा, उसकी माँ ने उसे क्या कहा था? कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड, रोल नंबर बोला। वेरी गुड बेटा, उसके पहले सीते रोल नंबर बोला। हाँ मैंने सभी की आवाज सुनी। ओके बेटा वेरी गुड। चलो जवाब लिखिए, लड़के की माँ ने सीख दी की हमेशा सच बोलना, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। लिख लिया बेटा सभी ने जवाब? हेलो मिस, बाकी है? हाँ लिख लो। हाँ बेटा लिख लो। हाँ हाँ लिख लो तो कहना, ठीक है? आमिस अक्षर जो है वह अच्छे निकालना, क्योंकि परीक्षा में समय आपको ही इसमें से पढ़ना है। यदि आपके अक्षर आपको ही नहीं दिखेंगे तो परीक्षा में आप क्या लिखेंगे, बराबर? इसीलिए अच्छे अक्षरों में आपको लिखना है, ठीक है? लिख लिया बेटा? मिस नारा, तो प्रश्न के उत्तर तो छोटे छोटे हैं बेटा। मिस अब दसवां प्रश्न सभी ने लिख लिया उत्तर नौवें प्रश्न का। ओके चलो दसवां प्रश्न है, डाकू लड़के को स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा। हाँ बोलो बेटा। ओके बेटा उसके बाद का प्रश्न लिखिए, स्पीकर बंद कर दीजिए बेटा, स्पीकर बंद कर दीजिए। स्पीकर किसका शुरू है बेटा? सलमा मिस, डाकू लड़के को किसके पास ले गया? किसके पास ले गया? बॉयस अपने सरदार के पास ले गया। हेलो
डाकू लड़के को किसके पास ले गया? हाँ बोलो बेटा। डाकू लड़के को सरदार के पास ले गया। वेरी गुड, बोला डाकू। हाँ बेटा, के पास ले गया। हाँ वेरी गुड, जवाब लिखिए। डाकू लड़के को डाकू के सरदार के पास ले गया लिख लिया। सभी ने लिख लिया। ओके चलो, इसके बाद का प्रश्न, डाकू सरदार को दो मिनट। डाकू सरदार को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? चलो 93 नंबर। मिस 63 से। मिस 93 के दस लेफ्ट हो गया मिस, उसका नेटवर्क नहीं अच्छा। 88 नंबर। मिस है 88 नंबर, जवाब दीजिए। डाकू सरदार को क्या देख कर आश्चर्य हुए? डाकू सरदार को सच बोलने पर चौंक गए। ऐसा नहीं है। हाँ भाई, सोचिए जरा, सोचिए। डाकू सरदार अब्दुल कादिर ने इसे क्या दिखाया? सरदार को अब्दुल कादिर ने अशरफिया दिखाई तो सरदार चौंक गए। प्रश्न में चौंक गए हैं। आश्चर्य, वेरी गुड। चलो जवाब लिखिए। लड़के ने अपनी सदरी फाड़कर उसमें छिपी चालीस
अशर्फिया अशर्फिया दिखाई दिखाई तब तब डाकू के सरदार को आश्चर्य हुआ मिस लिख लिया सभी ने हाँ मिस हाँ मिस ओके ओके इसके बाद का प्रश्न है रोल नंबर 52 डाकुओं ने क्या प्रतिज्ञा की 52 नंबर प्रेजेंट है बेटा हाँ मिस डाकुओं ने लूटमार करना छोड़ दिया वो प्रतिज्ञा ली वेरी गुड जवाब लिखिए डाकुओं ने कभी भी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा की अब देखो अब मैं आपको एक मौखिक प्रश्न पूछती हूँ जो यहाँ पर दिया गया नहीं है मगर आप सभी को उसका उत्तर बारी बारी में पूछूंगी ठीक है चलो अब्दुल कादिर ने तो उस सच बोलकर उसने 40 अशर्फिया डाकू को दिखा दी और नेक रास्ते पर चलने की सीख भी दी और डाकू भी सुधर गए बराबर अगर अब्दुल कादिर की जगह आप होते तो आप क्या करते 70 नंबर प्रेजेंट हो बेटा 70 नंबर रमेश आगे आप बताइए कि अब्दुल कादिर की जगह आप होते और ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती तो आप क्या करते सामने ऐसी परिस्थिति आती तो आप क्या करते तो मैं झूठ बोल देता क्या झूठ बोलते मेरे पास कुछ नहीं कुछ नहीं है ऐसा मगर हमें तो हमेशा सॉरी मिस दूसरा इसमें से इस पाठ से तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए क्योंकि खुदा भी सच का ही साथ देता है तो फिर आप झूठ बोलेंगे तो भी वह आपके साथ लूटमार करके इधर उधर ढूंढ कर भी निकाल लेंगे तो आप क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे 70 नंबर को ही मैंने पूछा है तो आप क्या करेंगे हेलो मिस हाँ 70 नंबर इसकी तो जॉइंट है जो ओके 70 नंबर को नहीं पता 77 नंबर हाँ मिस आप बताइए अब्दुल कादिर की जगह आप होते और ऐसी परिस्थिति आती तो आप क्या करते तो मैं मिस अब्दुल कादिर जैसा तो मैं अब्दुल कादिर जैसा करता क्या किया था अब्दुल कादिर ने
अब्दुल कादिर ने किया था। अब्दुल कादिर ने अपनी सदरिया अपनी असर किया निकाल कर उनको दिखा दी, सिर्फ दिखा दी, और हाँ सिर्फ दिखा दी हाँ, और उनको सबक भी सिखाया। सबक सिखाया या सीख दी? देखो सबक सिखाना और सीख देना दोनों में बहुत अंतर है। जो हम किसी को सजा देते हैं और उसका सबक सिखाते हैं तो वह सबक होता है, मगर कुछ पढ़कर जिसे अच्छा सीखते हैं वह सीख है, बराबर? जिसे हमें जीवन में उतारना है वह सीख है। वैसे तो सबक और सीख दोनों एक दूसरे के पर्याय भी है। तो क्या सीख देते आप उसे? तो मैं उनको सीख देता कि सदैव सच बोलना चाहिए, झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो यह कहकर भी डाकू नहीं मानते तो आप क्या करते? आपने ऐसा कहा कि सदैव सच बोलना चाहिए, फिर भी डाकुओं ने आपकी बात नहीं मानी, तो आप क्या करेंगे? तो कोई जब नहीं मानता तो हम क्या करते हैं? दे देते हैं। दे देते हैं, नहीं उसको समझाते हैं, समझाते समझाते। वेरी गुड, तो आप उसे समझाते, क्या समझाएंगे आप? ये लूटमार करना छोड़ दो, ये सब अल्लाह को पसंद नहीं है। वेरी गुड, फिर? और फिर वो छोड़ भी देवे। वेरी गुड, सरस, बहुत अच्छा। चलो 83 नंबर, 83 नंबर। चलो अब्दुल कादिर की जगह आप होते और ऐसी परिस्थिति जब अब्दुल कादिर बगदाद काफिले के साथ जा रहा था और वहां बीच में डाकू पड़ गए, लूटमार करने लगे, ऐसी परिस्थिति यदि आप कहीं जा रहे हो और हो गई तो आप क्या करेंगे? मैं तो उसे झूठ कह दूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भी उसने कुछ ऐसा वैसा करके भी आपके पास से कुछ ले लिया तो ढूंढ लिया तो उसे हमें क्या सीखनी है? हमें पाठ में से क्या सीखा वह उसके सामने रखना है बेटा। यहाँ पर हम पाठ में से सही रास्ते पर चलना, नेक रास्ते पर चलना, अच्छाई करना यह सीखते हैं, बराबर? तो आप तो कहते हो कि हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारेंगे, तो क्या पाठ में से आपने यह सीखा? पाठ में से आपने क्या सीखा? आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? 63 नंबर, हम अच्छा व्यवहार करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर उसे समझाएंगे मिस कि चोरी नहीं करनी चाहिए। वेरी गुड, लूटमार न करनी चाहिए। वेरी गुड, फिर यदि वह नहीं माने तो हम उसे मनाने का प्रयत्न करेंगे। वेरी गुड, तो आज मैंने आपको प्रश्न लिखवाए, यानी कि टोटल हमने 1 से 12 प्रश्न किए, बराबर? तो यह 1 से 12 प्रश्न आपको रफ बुक में 2 बार लिखने हैं, और जो मैंने